कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल राहुल ने 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर एक ट्वीट किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ग्लोबल कोविड डेथ टोल पब्लिक करने की WHO की कोशिशों में बाधा डाल रहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर लिखा, मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था, कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। फर्ज निभाइए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। आपको बता दें कि भारत ने देश में COVID-19 मृत्यु दर का आकलन करने के लिए WHO की पद्धति पर 16 अप्रैल को सवाल उठाते हुए कहा था कि इस तरह के गणती मॉडल का इस्तेमाल इतने विशाल भौगोलिक आकार और जनसंख्या वाले देश में नहीं किया जा सकता। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 अप्रैल को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के जवाब में ये बात कही। मंत्रालय ने कहा कि देश ने WHO की ओर से अपनाई जाने वाली पद्धति पर कई बार अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि सरकार ने COVID-19 से मौत के वास्तविक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक COVID-19 की वजह से 5,21,751 मौतें हुई हैं।